हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। पता है आपको, पहले के ज़माने में जो है, ये बात है 1400 के आसपास की बात है, 1400-1500 के आसपास, तब जो है हमारे जो वर्ल्ड मैप है, उस वर्ल्ड मैप में केवल गिनती के कुछ कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका जैसी कोई जगह अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानकारी ना के बराबर थी। तो कई सारे केवल एशिया का कुछ हिस्सा उसके मैप के अंदर था, और कुछ हिस्सा जो है वो आपका ब्रिटेन वाला, जो यूरोप वाला हिस्सा, वो मैप के अंदर था। हम इनको बोलते हैं खाली नक्शे थे। एक्चुअली वो कहते हैं खाली मैप थे वो। और ऐसे मैप जो है वो उन नाविकों के पास में, जो भी समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके पास में वो हुआ करते थे। ठीक है, और उन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन था कि यदि मान लीजिए आपको रास्ते में कोई ज़मीन मिलती है, कोई आइलैंड मिलता है, तो उसको मैप पर मार्क कर लीजिए और वापस आके अपनी कंट्री बताइए, और वो आइलैंड पर फिर कंट्री कब्जा कर लेगी और उसका एक हिस्सा जो प्रॉफिट का, जो भी उस समय प्रॉफिट जनरेट होगा, वो आपको मिलता रहेगा पूरी ज़िंदगी, और बाकी कंट्री उस पर रूल करेगी। ठीक है, इसी कारण से उस जमाने में जो है वो नए नए आइलैंड की खोज के लिए, नए नए कंट्री की खोज के लिए, कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा कहीं मिल जाए उसकी खोज के लिए बहुत सारे दल निकला करते थे। कोलंबस जो है, उन्होंने जो है वो एक अभियान की योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई कि हम जो है कुछ एक जो बाकायदा जो है वो बड़ा सा जो है वो एक ग्रुप लेके जाएंगे हम, और हम जो है वो कुछ खोजना चाहते हैं व्यापार के लिए, और हमारी खोज का जो प्रायोरिटी है वो है कि हम भारत तक पहुंच जाएं। उस जमाने में अमेरिका उस के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, और इंग्लैंड से जो है वो आपके ब्रिटेन से जो है वो अपना यूरोप से इंडिया तक पहुँचने का सफ़र भी काफ़ी लंबा था। हमारा जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड था इंडिया का, वो था मिडिल ईस्ट के साथ में, यानी मध्य पूर्व जो है, जो आपका इराक, ईरान वाला जो एरिया है, सऊदी अरब वाला एरिया है, यहाँ से हमारे संबंध शुरू से बड़े दोस्ताना रहे, और बड़ा सारा इनसे हमारा ट्रेड या व्यापार पहले से होता आया है। ठीक है, चीन हमारे साथ शुरू से लगा हुआ है, और उस ज़माने में पाकिस्तान या बांग्लादेश या बाकी दूसरे छोटे छोटे कंट्री, इनका अस्तित्व नहीं होते थे, चीन शुरू से प्रेजेंट था। तो हमारे ट्रेड जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ में हुआ करते थे। तो कोलंबस ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम जो है वो अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए हम नई नए समुद्री रास्ते को खोजते हैं हम जो है वो दूसरी कंट्री जाके व्यापार को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे अपना, ताकि ब्रिटेन का समृद्धि और बढ़ सके। तो उन्होंने जो है वो अब एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने वो योजना को लेके वो उस ज़माने में जो है वो वहाँ के ब्रिटेन की जो महारानी थी, सम्राट थे, उनके पास गए। वो उन्होंने जाके बताया कि भाई कि हम ये योजना हमारी, इतना खर्चा है इसमें, इतने हमारे साथ में नाविक जाएंगे, इतना बड़ा जहाज होगा, इतना रसद होगा उसके अंदर, इतना वेपन्स भी रखने पड़ेंगे थोड़े हमको अपनी समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए, तो ये सब कुछ खर्चा आएगा, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पे ब्रिटेन के जो रूलर्स हैं, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इतना बड़ा खर्चा भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई बड़ा बेनिफिट नहीं, इतना खर्चा करने के बाद कुछ भी मिल भी जाएगा तो निर्जन टाइप का होगा, और हम करेंगे क्या उसका। तो ब्रिटेन ने ठीक खारिज कर दिया उसको। फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा भाई, इतना बड़ा अभियान कोलंबस दिमाग में बना के बैठे थे कि हमको जाना समुद्र यात्रा में बड़ा, वो जो है उसके पुर्तगाल के राजा के पास गए। तो पुर्तगीज राजा ने उनकी पूरी योजना को समझा सुना, और उसके बाद बोले कि देखो, ऐसा है कि ये योजना बहुत खर्चीली है, बहुत ज़्यादा खर्चीली योजना है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो उसके बाद कई सारे जो आसपास के यूरोपियन कंट्री हैं उनको उन्होंने टच किया, लोगों किसी के संपर्क से गए, मिले लोगों से, फिर वहाँ के जो अमीर बिजनेसमैन थे उनसे भी बात किया, कोई भी तैयार नहीं हुआ उसके लिए। फिर किसी प्रकार से उनको किसी ने बताया कि तुम स्पेन जाओ, और स्पेन में वहाँ के जो स्पेन के राजा है ना, तो उनकी महारानी से मिलना, राजा से मत मिलना, और महारानी को योजना समझाना, यदि महारानी कन्विंस हो गई तो वो राजा को बोल देंगे, तो राजा कर देंगे काम, डायरेक्ट राजा के पास मत जाना। तो अब कोलंबस ने फिर जुगाड़ लगाया, उन्होंने कैसे पहुंचे, तो उन्होंने किसी प्रकार से कुछ बड़े अच्छे कीमती गिफ्ट खरीदे उन्होंने, और वो महारानी से मिलने का उन्होंने अरेंजमेंट किया, महारानी से मिले, और महारानी जो है वो उनसे मिली, और उन्होंने कहा कि अरे वाह, ब्रिटेन से ये आदमी आया है, और जो है वो देखो कितने अच्छे गिफ्ट भी लेके आया है। तो महारानी ने बोला, भाई क्या कर सकते हैं आपके लिए? उन्होंने कहा, महारानी कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि ये गिफ्ट आपको हम हमेशा देते रहे, और आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती रहे, आप लोगों की, आप लोग जो है वो यूरोप में सबसे अमीर देश में शामिल हों आप, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक अभियान करना चाहते हैं, और उसके लिए हमको फंडिंग चाहिए। महारानी ने बोल रहे राजा को बुलाया, और उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा, मतलब महारानी राजा को बुला सकती भाई, ठीक है, मतलब महाराज पब्लिक के लिए होता है, महारानी के लिए महाराज नहीं होता हो, ठीक है, ये पोजीशन हम लोग बेहतर समझते हैं, क्या हालांकि मैं महाराज नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे मालूम है मेरी पोजीशन क्या है। ठीक है, अरे आपको पता है पापा की पोजीशन क्या है ना, वो घर में मतलब कंट्रोल रहता है, ऐसा नहीं है। तो महारानी ने बुलाया,
भाई राजा साहब को बुलाओ, जरा है ना बात करनी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा ही हमारे जो है इनको जाना है यात्रा पे, आप देखो क्या कर सकते हो। तो स्पेन के राजा ने जो है वो थोड़ा सा उनका योजना को समझा। उन्होंने कहा योजना बड़ी खर्चीली तो है। कोलंबस ने कहा कि साहब रिस्क तो लेना पड़ेगा इसके लिए। तो स्पेन ने उनको फाइनेंस किया, स्पेन ने उनको जो है पैसा दिया, रसद दिया, सब तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की, और उसके बाद कोलंबस अपने अभियान पर निकल गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो है वो पहला कब्जा अमेरिका पे जो है वो स्पेन का था, और स्पेन ने वहां पर जाकर वहां पर जो है वो जब वहां पहुंचे तो स्पेन ने वहां पर जो है तमाम जो अमेरिकन रिसोर्सेस थे उनका इस्तेमाल किया। गोल्ड की माइंस वहां पर लगाई उन्होंने, के सोने की खदानें वहां पर लगाई स्पेन ने। स्पेन ने वहां पर तंबाकू की खेती की, इतनी बड़ी जमीन थी अमेरिका में, और स्पेन छोटा सा था, जमीन थी नहीं ज्यादा, लेकिन वहां जमीन तो उनके पास अथाह जमीन थी, जहां तक जाओ वहां तक जमीन थी। तो उन्होंने तंबाकू की खेती किया और उस टोबेको का ट्रेड पूरे यूरोप के अंदर किया, और ऐसे देखते देखते जो है वो कुछ कुछ वर्षों में स्पेन जो है वो बहुत अमीर देश बन गया। आपको पता है स्पेनिश अभियान जो है वो ब्रिटिश अभियान के पहले चले हैं, कि कॉलोनाइजेशन की शुरुआत आप देखोगे तो आप पाओगे कि तीन सबसे बड़े पावर थे, एक तो डच थे अपने हॉलैंड से आने वाले लोग थे, पुर्तगीज थे, स्पेनिश थे और ब्रिटिशर्स थे। आपने देखा, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप पाओगे कि हमारे यहाँ पे भी जो है कुछ जगह पर स्पेन ने कब्जा कर रखा था, कुछ जगह पर डच या जो हॉलैंड के लोगों ने कब्जा कर रखा था, कहीं पर पुर्तगाल का कब्जा था। ठीक है, से गोवा की बात करें हम, के तो अलग अलग जगह पे तो वो, लेकिन स्पेनिश अभियान जो है वो ब्रिटेन से पहले चले, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा आ गया था, और स्पेन की आर्थिक समृद्धि जो है वो उसका एक बड़ा कारण जो है वो ये कोलंबस का अभियान था। तो इस पूरी स्टोरी से एक बात मालूम चलती है कि समटाइम वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द राइट थिंग, कि स्पेन ने उस अपॉर्चुनिटी को जो है इनकैश किया और वो यूरोप में सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। कहते हैं ना, एक बार स्वेड मार्डन ने जो है वो बताते हैं कि वो एक मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई, और वो मूर्ति जो है उस मूर्ति में जो है वो सामने की तरफ उसमें जो है वो बाल थे, पीछे उसमें जो है वो गंजी थी मूर्ति। वो मतलब आप सोचिए ना, कोई ऐसा आदमी हो जिसके केवल सामने की तरफ जो है वो हेयर्स हो बड़े बड़े और पीछे एकदम से गंजा हो, ठीक है, शाइनी, एकदम शाइनी जो है वो एक भी हेयर ना हो। तो जो भी आदमी आया उस मूर्ति को देखे, बोले भाई ये कैसी मूर्ति, या तो पूरा गंजा कर दो इसको या पूरे बाल लगा दो उसके, आपने केवल जो है केवल और केवल सामने बाल लगा रखे और पीछे जो है उसके कुछ भी नहीं है, एकदम गंजा मूर्ति है वो। जो भी आदमी आया वो चित्रकार को बैठ जो जो मूर्तिकार था उसको बैठा देखे बाजू में और हंस के चला जाए वो, कि देखो क्या बनाया। एक आदमी ने उससे पूछा कि ये आपने जो मूर्ति बनाई है, इस मूर्ति में सामने बाल है पीछे, ये है कौन, मतलब किसी को जानते हो ऐसे आदमी को? उसने कहा जी हाँ मैं जानता हूँ, कौन है ये? उसने कहा ये अवसर की मूर्ति है, अपॉर्चुनिटी की मूर्ति है ये। कैसे? अवसर वो चीज है जब आपके सामने हो तो आप उसे पकड़ सकते हैं, बालों से पकड़ लीजिए उसको, लेकिन एक बार निकल गया तो लाख कोशिश करेंगे उसकी गंजी खोपड़ी चिकना सिर नहीं पकड़ पाएंगे आप, स्लिप हो जाएगा आपके हाथ से, नहीं ले पाएंगे उसको आपके। तो कहने का मतलब ये है कि अवसर सामने रहते इनकेश कर लीजिए, एक बार निकल जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो भी एक अवसर होते हैं, खिड़की होते हैं, विंडो होते हैं। आज मैं चाहूं कि मैं IAS बन जाऊं, आज मैं चाहूं कि मैं IPS बन जाऊं, आज मैं चाहूं कि मैं जो है वो कहीं किसी और, मान लो मैं कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं वहां चला जाऊं, तो वो आज पॉसिबल नहीं है। एक जमाना था जब मैं 12th में था, जब मैं 12th पास किया तब मेरे लिए वो पॉसिबल था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम आपके सामने, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सामने है, वो एक अवसर के इसकी खिड़की है, वो पकड़ लीजिए उसको, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। Have a great day, all the best.